तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लुओ लिंगटियांग सेक्ट के मास्टर को हरा देता है और अब सुयांग उसके ट्रेजर को अपने हाथ में लेते हुए उसे क्रश करने लगता है। तभी एक पेड़ के पीछे से वुडन गाय बाहर आते हुए बोलता है, वह ट्रेजर मुझसे बिलोंग करता है तो उसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचना भी मत। सुयांग बोलता है, तो मुझे बताओ तुम ही वह पर्सन होना जिसे लिंगटियांग सेक्ट के लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे। वुडन गाय हाँ में जवाब देता है। यह सुनते ही युन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि लिंगटियांग सेक्ट के लोग एक किलर को ढूंढ रहे थे जो पिछले कई दिनों से रेन रैलम के सभी लोगों को एक एक करके मारे चला जा रहा था और वह किलर कोई और नहीं बल्कि वुडन गाय था जो युन के आंखों के सामने खड़ा था। यह पता चलते ही युन की हालत खराब हो जाती है जो देखते ही वुडन गाय बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? पर मैं तो यहाँ पर तुम लोगों के साथ एक गेम खेलने के लिए आया था, पर अगर तुम लोग मुझसे डरोगे तो आखिर तुम मेरे साथ ठीक से खेलोगे कैसे? तभी डीमन एम्परर आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, पिछली बार तुम बहुत ही ज्यादा लकी थे तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए आगे नहीं आया, वरना तुम्हारा खेल तभी खत्म हो जाता, पर आज तुम मरने के लिए वापस मेरे सामने आ ही गए। यह सुनते ही वुडन गाय बोलता है, तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा फनी हो, तो फिर अब क्यों ना तुम वह ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम सभी लोगों को एक आसान मौत दूंगा। यह सुनते ही डोंगमी बोलता है, बेवकूफ, हमारे मास्टर को एक बार जो चीज पसंद आ जाती है वह उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और यह बोलते हुए वह काफी तेजी से वुडन गाय के पीछे जाकर उसे एक पंच करने की कोशिश करता है, पर वुडन गाय उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी डोंगमी एक काफी खतरनाक प्लाम अटैक उस पर करता है जिससे वुडन गाय की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर दोबारा से एक पपेट होता है। अब वुडन गाय डोंगमी के पीछे से आते हुए बोलता है, मैं तुम सभी लोगों के साथ गेम खेलना चाहता था पर तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो, तो अब मैं बिना कोई देरी किए तुम सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी लुओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, एक बार ट्राई करके देखो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम हम सभी लोगों को कैसे डिस्ट्रॉय करते हो। और यह बोलते हुए वह वुडन गाय के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करता है जिससे वुडन गाय की बॉडी दोबारा से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर वह भी उसकी रियल बॉडी नहीं होती है। वहीं पर खड़ा डोंगमी सोच रहा होता है, लुओ हर बार मुझसे मेरा स्पॉटलाइट छीन लेता है, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तभी लुओ के पीछे से वुडन गाय आते हुए लुओ को आवाज लगाता है, पर लुओ दोबारा से उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे जैसे वुडन गाय की बॉडी वहां पर अपीयर हो रही होती है, लुओ उन सभी बॉडी को लगातार डिस्ट्रॉय किए चला जा रहा होता है। वहीं पर खड़ा सुयांग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह नोटिस करता है कि वुडन गाय के पैरों से बस एक स्पिरिचुअल लाइन ही निकल रही होती है, जो देखकर वह समझ जाता है कि यह असली वुडन गाय है ही नहीं। वहीं पर लुओ लगातार अटैक करते हुए सभी वुडन गाय की बॉडी को डिस्ट्रॉय किए चला जा रहा होता है, पर वुडन गाय बार बार उसके पीछे अपीयर हो रहा होता है। अब इससे गुस्सा होकर लुओ काफी तेजी से वुडन गाय के पास जाते हुए उसका गला पकड़ लेता है, पर वुडन गाय दोबारा से एक लकड़ी के टुकड़े में बदल जाता है। यह देखते ही डोंगमी बोलता है, यह पर्सन अब मुझे इरिटेट कर रहा है, और आखिर यह इतनी जल्दी खुद को लकड़ी के टुकड़े और पपेट्स के अंदर कैसे बदल रहा है, और अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। वहीं पर खड़ा लुओ बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, उस वुडन गाय के स्पिरिचुअल ऑरा को देखकर मैं बता सकता हूं कि वह बस फोर्थ लेवल इमॉर्टल है, पर इसके बावजूद इसके पास इतनी यूनिक टेक्निक है और तो और अनलिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी, आखिर इतनी एनर्जी इसके पास आ कहां से रही है? वहीं पर खड़ा वुडन गाय हंस रहा होता है। यह देखकर युन काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लगती है कि मैंने पहले ही कहा था, इस पर्सन के पास हेवेनली डिफाइन की पावर है और इसे कोई भी नहीं हरा सकता है। यह सुनते ही वुडन गाय बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हेवेन हूँ और मैं ही गॉड, इस दुनिया का निर्माण ही मैंने किया है, तो तुम लोग मुझे नहीं मार सकते हो। और अब उसके ऐसा बोलते ही वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद वह स्पिरिचुअल एग ग्लो करने लगता है, और अब सुयांग देखता है कि वुडन गाय की बॉडी के अंदर से अब कई सारी स्पिरिचुअल लाइन बाहर निकल रही होती है जो उसे पूरे एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर रही होती है। तभी डोंगमी गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे वर्ल्ड को अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और डोंगमी के एक ही पंच में वुडन गाय की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर वह खुश होने लगता है।
तभी जमीन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब वहां पर मौजूद काफी बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। यह देखकर यून और भी ज्यादा डर जाती है और बोलने लगती है कि आखिर अब वह लोग इतने बड़े पत्थरों का सामना कैसे करेंगे। वहीं पर यह सब देखकर डोंगमी बोल रहा होता है, लुओसियान मुझे बताओ आखिर तुम इन पत्थरों से कैसे डील करोगे। और अब वह जैसे ही अपने बगल में देखता है लुओ वहां से गायब हो चुका होता है। अब डोंगमी ऊपर देखता है तो लुओ ऊपर उड़ते हुए उन सभी पत्थरों को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी कर रहा होता है। यह देखते ही वह गुस्से में बोलता है, तो तुम दोबारा से मुझसे मेरा स्पॉटलाइट छीनना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब वह काफी तेजी से लुओ के सामने जाते हुए एक पंच मारकर सभी पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब डोंगमी हंसते हुए बोलने लगता है, लुओ आखिर तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो, क्या मैंने तुमसे तुम्हारा स्पॉटलाइट छीन लिया। यह बोलते हुए वह काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं पर उसके पीछे से वुडन गाय उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जो देखते ही लुओ वुडन गाय पर अटैक करते हुए उसे मार देता है, जो देखकर डोंगमी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वह वुडन गाय वहां पर हंसते हुए बोलने लगता है, मैंने इस पूरे रेन रैलम को हेवेनली डिफाइन पावर का यूज करते हुए बनाया है, इस वजह से भले ही तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, जब तक तुम इस रैलम में मौजूद हो तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते हो। और अब वहां पर स्पिरिचुअल एग और भी काफी तेजी से ग्लो करने लगता है, जिससे वुडन गाय की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब वह दो स्पिरिचुअल रूट को समन करते हुए उनसे डोंगमी और लुओ पर अटैक करने लगता है। डोंगमी और लुओ दोनों ही स्पिरिचुअल रूट को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर स्पिरिचुअल रूट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और अब वह डोंगमी और लुओ को वहां पर बांध देते हैं। और अब उस स्पिरिचुअल रूट के चपेट में आते ही डोंगमी और लुओ दोनों ही अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे होते हैं, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर खड़ा सुयांग अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर का यूज करते हुए देख रहा होता है कि वुडन गाय ने अपनी हेवेनली डिफाइन पावर का यूज करते हुए डोंगमी और लुओ को भी खुद से अटैच कर लिया होता है, जिस वजह से अब वह वुडन गाय के मर्जी के बिना अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर डोंगमी बोल रहा होता है, लुओ आखिर तुम अब यहाँ पर शांत क्यों बैठे हुए हो, अपनी लाइटनिंग की पावर का यूज करते हुए हमें आजाद कराओ। उसी वक्त सुयांग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन दोनों के सर पर मौजूद स्पिरिचुअल लाइन को काट देता है, जिसके बाद उन दोनों की पावर उनके पास वापस से आ जाती है। और अब यह फील करते ही लुओ काफी तेजी से वुडन गाय पर अपने लाइटनिंग से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब डोंगमी और लुओ दोनों ही नीचे आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद लुओ आगे बढ़ते हुए डोंगमी से बोलता है, मेरे डिसाइपल तुम्हारी एज हो गई है, जिस वजह से तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, तो यहाँ पर आराम करो, बाकी सब कुछ तुम्हारे मास्टर संभाल लेंगे। और अब वह वुडन गाय पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी डोंगमी गुस्से में एक काफी पावरफुल पंच करके वुडन गाय की बॉडी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही लुओ ताली बजाते हुए बोलने लगता है, तुमने बहुत बढ़िया किया डिसाइपल, तुम मुझसे धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो। दूसरी ओर वुडन गाय एक पेड़ के अंदर से बाहर निकलता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, मैंने जितना सोचा था यह लोग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो अब इन लोगों से फाइट करने के लिए मुझे अपनी रियल पावर का यूज करना ही पड़ेगा। तभी वह स्पिरिचुअल एग और भी काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। वहीं पर उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिससे वह पूरा एरिया कांप रहा होता है। और अब चारों ओर से कई सारे स्पिरिचुअल रूट उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखते ही सुयांग अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है। और उन स्पिरिचुअल रूट की पावर को देखकर लुओ और डोंगमी भी डर चुके होते हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने चारों ओर एक बैरियर बना लिया होता है। वहीं पर लगातार कई सारे स्पिरिचुअल रूट उनकी ओर आते हुए उन पर अटैक किए चले जा रहे होते हैं। और यून उन सभी स्पिरिचुअल रूट को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि इन सभी स्पिरिचुअल रूट के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, तो अगर मुझे इन स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में पता चल जाए तो मैं और भी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल प्लांट्स को उगा सकती हूँ। तभी यून गुस्सा होते हुए बोलती है, नियर कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, और क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, यह सभी स्पिरिचुअल रूट्स हमें किसी भी वक्त मार सकते हैं। यह सुनकर नियर हंसते हुए बोलती है, सिस्टर तुम परेशान क्यों हो रही हो, यहाँ पर हमारे साथ एंसेस्टर मौजूद है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर वुडन गाय लगातार कई सारे स्पिरिचुअल रूट अटैक उनके बैरियर पर किए चला जा रहा होता है,
पर उनके बैरियर पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। यह देखते ही वह अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे वहां पर और भी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल रूट आते हुए काफी खतरनाक अटैक उनके बैरियर पर करने लगते हैं। अब लुओ और डोंगमी का बैरियर उन अटैक्स को संभाल नहीं पाता है और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही लुओ और डोंगमी काफी तेजी से जंप करते हुए सुयांग के बैरियर के नीचे आ जाते हैं। वहीं पर यह सब कुछ देखकर युन के होश उड़ चुके होते हैं और वह डर के मारे थर थर कांप रही होती है। दूसरी ओर वुडन गाय चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैं ही हेवन हूँ और मैं ही गॉड हूँ, मैंने ही इस दुनिया का निर्माण किया है और मेरी ही वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा हो। मैं जब चाहूँ तब तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो तुम लोग मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। वहीं पर उसकी बॉडी के अंदर से कई सारी स्पिरिचुअल लाइन लगातार निकलते हुए चारों ओर मौजूद एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो रही होती है और सुयांग वहां पर खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी ओर वुडन गाय ने सुयांग के बैरियर को अपने स्पिरिचुअल रूट से पूरी तरीके से ढक दिया होता है और वह उसे क्रश करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सुयांग अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे सभी स्पिरिचुअल रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब सुयांग की बॉडी के अंदर से कई सारे सोल स्वॉर्ड बाहर निकलने लगते हैं, जो देखकर वुडन गाय को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर यह किस तरह की पावर है। उसी वक्त सुयांग सभी सोल स्वॉर्ड्स को वुडन गाय की ओर आगे भेजता है। अब वुडन गाय उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह सभी सोल स्वॉर्ड वुडन गाय की बॉडी को डैमेज न पहुंचाकर उसके बॉडी से कनेक्टेड सभी स्पिरिचुअल लाइन को काट देते हैं, जिससे वुडन गाय का कनेक्शन स्पिरिचुअल एग से टूट जाता है और अब वह काफी तेजी से आकर जमीन पर नीचे गिरता है। और अब यह सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह बोलने लगता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी सुयांग उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे एग्जिस्टेंट को इस वर्ल्ड से इरेज कर दिया है, जिस वजह से अब तुम इस वर्ल्ड में मौजूद हेवेनली डिफाइन की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यह सुनते ही वह वुडन गाय बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और तुम मुझे इस वर्ल्ड से इरेज कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास तो हेवेनली डिफाइन की पावर है ही नहीं। यह सुनते ही सुयांग बोलता है, तो तुम हेवेनली डिफाइन की पावर देखना चाहते हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।